आप और हमने कई लोगों को ये कहते सुना है कि अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं तो आप समझदार हो रहे हैं। आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि मैंने अपने बाल ऐसे ही सफेद नहीं कर लिए हैं, लेकिन ये महज एक कहावत है। और आपने ये भी सुना होगा कि प्रदूषण के कारण आपके बाल सफेद हो रहे हैं, और इस बात का तर्क देते हैं कि पुराने जमाने में इतना प्रदूषण नहीं होता था, इसलिए पहले के लोगों के बाल जल्दी नहीं सफेद होते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है साइंस शो। साइंस शो। और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे कि बाल सफेद क्यों हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रदूषण ही बाल सफेद होने का कारण है। चलिए दोस्तों इसके पीछे का जवाब भी जानते हैं। वैसे बाल सफेद होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें प्रदूषण के कारण सफेद होने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल से 100 में से 2% यानी ना के बराबर होती है। अब हम बात करते हैं बाल सफेद होने के डॉक्टर द्वारा बताए गए कारण की। इनके अनुसार बाल सफेद होने का कारण अनुवांशिकीय दोष होता है। यदि आपके माता पिता के बाल जल्दी सफेद हो गए हैं तो आपके भी बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। लेकिन बाल सफेद होने का एक वैज्ञानिक कारण भी है। दरअसल बालों का रंग हमारे स्कैल्प में यानी सर की खाल में उपस्थित एक खास तत्व की वजह से होता है। शोध में तो ये भी कहा गया है कि बालों का रंग इसकी त्वचा पर भी निर्भर करता है। हर किसी के बालों का रंग बचपन से ही गाढ़ा काला नहीं होता। ये संभावना रहती है कि जो लोग अधिक गोरे होते हैं उनके बालों का रंग भूरा हो, और सांवले रंग वालों के बाल अक्सर काले होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बाल में जो खास तत्व पाया जाता है उसे मेलानिन कहते हैं। ये बालों की जड़ों में पाया जाता है। यही कारण है कि बालों का रंग काला होता है, और जब उम्र के साथ या किसी और कारण से इस तत्व की कमी होने लगती है तो बाल सफेद होने लगते हैं। लेकिन अगर आपके बाल 14 से 16 की उम्र में सफेद हो जाते हैं तो इसका कारण क्या होता है? क्या इतनी जल्दी मेलानिन तत्व कम हो सकता है? दोस्तों, विशेषज्ञों की माने तो बाल सफेद होने के कई अन्य कारण भी होते हैं। जिन लोगों को रक्त अल्पता, थायराइड इत्यादि प्रकार के रोग होते हैं, या जो लोग सही तरीके से खान पान का ध्यान नहीं रखते, उन लोगों के बाल भी जल्दी सफेद हो जाते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर बाल सफेद क्यों होते हैं, इसलिए अपने खान पान का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। कि वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और भी दुनिया भर के साइंस रिलेटेड खबरों, तथ्यों और कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और देखते रहिए साइंस शो। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए दिलचस्प वीडियो के साथ। नमस्कार।